मैं शिखा श्रीवास्तव, मेरे चैनल टिप्स थिएटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ, तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को। दोस्तों, आज मैं आपको गेहूं के आटे से हम ब्रेड किस तरह से बनाएं, खासकर सैंडविच ब्रेड। तो होल व्हीट ब्रेड बनाने के लिए दोस्तों आपको यहां पर लेना है गेहूं का आटा। तो आप देख रहे हैं ये जो ब्रेड है दोस्तों, जितनी सुंदर ये दिखने में लग रही है, खाने में ये उतनी ही स्वादिष्ट है और उतनी ही स्पॉन्जी ये ब्रेड बनी है। तो ये देखिए, अभी मैंने आपको कट करके दिखाया है, एक एक स्लाइस आप देख सकते हैं। तो बस एक कप मैंने यहाँ पर लिया है गेहूं का आटा। यदि आप थोड़ा ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं तो आप दो कप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, परंतु गेहूं के आटे को एक बार आप बारीक तार की छन्नी से ज़रूर छान लें, क्योंकि जब हम मैदे से बनाते हैं दोस्तों तो वो ब्रेड बिल्कुल बाज़ार के जैसी दिखती है, परंतु ज़्यादा मैदा हमें नहीं खाना चाहिए। तो इसलिए गेहूं के आटे से आज मैं आपको ब्रेड बनाना बता रही हूँ, परंतु इसे बारीक तार की छन्नी से छानना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी ब्रेड थोड़ी सी दिखने में भी और अच्छी लगे। तो मैंने भी यहाँ पर बारीक तार की छन्नी ली है और बस एक कप इसे छान लिया है आटे को, और साथ ही मैंने इसमें डाला है आधी चम्मच नमक, दो चम्मच हमें इसमें डालना है शक्कर। शक्कर आप पिसी हुई भी डाल सकते हैं, खड़ी शक्कर भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है ड्राई ईस्ट, तो यहाँ पर आपको डालना है आधी छोटी चम्मच ड्राई ईस्ट। इसी से हमारी ब्रेड में बढ़िया अच्छा खमीर आएगा। साथ ही इस ब्रेड को थोड़ा रिच बनाने के लिए आपको डालना है 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। कोई सा भी मिल्क पाउडर, किसी भी कंपनी का मिल्क पाउडर यदि है तब तो आप ज़रूर डालें। आप देखेंगे आपकी जो ब्रेड है वो बिल्कुल बाज़ार के जैसे ही लगेगी, और यदि मिल्क पाउडर नहीं है तो आप ना डालें। अच्छा बढ़िया गर्म पानी लेना है, तो मैंने पानी को पहले से गर्म कर लिया। धीरे धीरे पानी डालकर बिल्कुल नरम आटा तैयार करना है, बिल्कुल भी टाइट आटा नहीं होना चाहिए। ये देखिए, तो इस तरह से पानी डालकर मैंने आटा लगा लिया है। अब यहाँ पर मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच तेल। तो तेल आपको बस इस तरह से डालना। अभी आपको लग रहा होगा ये आटा तो बहुत ज़्यादा गीला है और चिपचिपा सा लग रहा है, कोई बात नहीं, इसे हमें कम से कम 5 से 7 मिनट तक इस तरह से गूंथना है, मलना है, मसलना है। ये देखिए, और बीच बीच में इस आटे को मैं पटकती जा रही हूँ दोस्तों, ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। जितना बढ़िया हम इसमें लोच लगाएंगे उतना बढ़िया ही हमारे आटे की ब्रेड में स्पंज आएगा। तो बस इसी तरह से मैं इसे मसल रही हूँ। अभी आप देखिएगा ये जो चिपक रहा है ना दोस्तों, ये चिपकना बंद हो जाएगा। अब आप देख सकते, जब आप इसे बिल्कुल परफेक्टली मल लेंगे, मसल लेंगे, उसके बाद इसका चिपकना अपने आप ही बंद हो जाता है। तो बस धीरे धीरे कर मैंने इसमें करीब करीब 2 चम्मच तेल का आपको इस्तेमाल करना है, 2 टेबल स्पून ऑयल। अब आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म पे ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट हमने इस आटे को गूंथ लिया है। तो कम से कम मुझे 7 मिनट का टाइम लग गया है, बस यहीं पर ही इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, आटे को मलना बहुत ज़रूरी है, तो ही हमारे आटा ब्रेड में बढ़िया अच्छा स्पंज आएगा। अब मैंने इस कटोरी में आधी छोटी चम्मच से भी कम तेल डाला है, इस लोई में बढ़िया अच्छा चारों तरफ से तेल लगा दिया है, और कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए आप इसे बिल्कुल अच्छा कवर करके रख दें। आप देख सकते हैं अभी डो देखिए कितना कम दिख रहा है दोस्तों, अभी थोड़ी देर बाद आप देखिएगा ये डो कितना अच्छा फूल जाएगा। तो आप चाहे तो प्लेट से भी ढक सकते हैं, 2-3 तरीके बता रही हूँ। कढ़ाई में आप इस ब्रेड को बेक कर सकते हैं, बड़ी कढ़ाई लें, भारी तले की कढ़ाई लें, कढ़ाई के नीचे नमक हो तो नमक डालें, नहीं है तो कोई बात नहीं। बढ़िया अच्छी तरह से मैंने जो टिन है उसमें बहुत अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है, तेल का लगाएं, चाहे आप बटर का भी इस तरह से ऑयलिंग कर सकते हैं। कुकर में आप बना सकते हैं, जिसका वीडियो मैंने शेयर किया है, आप कटोरी में भी इस मटेरियल को डालकर बन बना सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से, चाहे सैंडविच ब्रेड बनाएं, चाहे आप बन बनाएं। जल्दी ही बन का वीडियो भी शेयर कर रही हूँ। तो और कुकर में अगर करना है तो कोई भी स्टैंड रखें और बस ब्रेड का अपना टिन रख दें। अब आप देख सकते हैं पूरे 1 घंटे के बाद की शूटिंग है, यदि आप 1.5 घंटे तक रखें तब तो और भी अच्छा है, परंतु बच्चों को ब्रेड खाने की थोड़ी जल्दी है दोस्तों, इसे 1 घंटे के बाद ही आपको शूटिंग दिखा रही हूं मैं। ये देखिए, मैंने हाथ से जैसे ही पंच किया इसके अंदर जितनी एयर भरी थी वह निकल गई। अब हमें इसे बढ़िया अच्छी तरह से दबा दबा कर इसके अंदर की जो एयर है उसे निकालना है, ताकि बढ़िया अच्छा इसमें स्पंज आए। प्लेटफॉर्म पर मैंने आधी छोटी चम्मच आटे की डस्टिंग कर दी है और खूब अच्छी तरह से आप इसे मिला लें, अच्छी तरह से इसे थोड़ा सा मल लें, और थोड़ा सा तेल डाला है आधी छोटी चम्मच। कुल मिलाकर मैंने इसमें 2 चम्मच भरकर तेल का इस्तेमाल किया है।
ये देखिए तेल लगा कर मैंने इसकी लोई खूब अच्छी, अब आपको इसकी लोई को बेलना, क्योंकि हम बना रहे हैं सैंडविच ब्रेड, और यदि आप कटोरी में बन बनाना चाहते हैं तो इस आटे की चार लोइयां करें और उन लोइयों को कटोरी में रख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से, और आपका बन तैयार हो जाएगा। परंतु आज तो मैं आपको सैंडविच ब्रेड बता रही हूँ, इसलिए इसे बेलना है। तो ये देखिए मैंने इसे इस तरह से लंबा बेल लिया है। अब जो मेरा ब्रेड का जो टिन है दोस्तों, बस उसकी लंबाई जो आपने देखी बस वैसा ही बेलना है। खूब अच्छी तरह से इसे दबाते हुए आपको रोल करना, आप देख रहे हैं मैं कैसे दबा रही हूँ दोस्तों, ये देखिए बस इस तरह से दोनों हाथों से खूब अच्छी तरह से टाइट रोल तैयार करना है आपको। और बस अब हम इसे बेक करने रखेंगे। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इस तरह से रोल करने के बाद दोनों किनारों को खूब अच्छा पैक करना। ये देखिए इस तरह से आटे को उठाया मैंने, साइड के किनारों को पैक कर दिया, उंगलियों से हाथों से दबाते जाएं। दोनों किनारे को आपको पैक करना ज़रूरी है, नहीं तो हमारी ब्रेड खुल सी जाएगी और बहुत सुंदर नहीं बनेगी। हम चाहते हैं बिल्कुल मार्केट के जैसे ही हमारी ब्रेड बने। टेस्ट तो दोस्तों आप यकीन मानिए, एक बार बनाएंगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलेंगे कि ब्रेड बहुत अच्छी बनी। तो ये देखिए केक के टिन में बहुत अच्छे से मैंने ऑयलिंग कर दी है, आप चाहें तो बटर पेपर बिछा सकते हैं, नहीं भी बिछाएं तो कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बस ये जो ब्रेड का हमने लोफ तैयार किया है दोस्तों, बस इसमें रख दिया है, हाथों से मैंने अच्छी तरह से सेट कर दिया है और आधा घंटा इसे छोड़ दिया था। अब आप देख सकते हैं आधे घंटे के बाद ये वापस कितनी अच्छी तरह से ऊपर उठ गया है। अब हमें इसे बेक करने रखना है। तो यहाँ पर मैंने दूध लिया है दोस्तों, और दूध से आपको हल्के से मिल्क की इसमें ब्रशिंग करना है हल्का हल्का सा, ताकि ब्रेड का कलर बढ़िया अच्छा आए। तो चारों तरफ ब्रश की मदद से मैंने तेल लगा दिया है इसमें, सॉरी दूध लगा दिया है, और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर तिल्ली ली है, तो कुछ तिल्ली के दाने आपको इसमें ऊपर ऊपर डालना है। आपने देखा होगा ना दोस्तों, बाज़ार में जो हमारी सैंडविच ब्रेड आती है बढ़िया अच्छी बेकरी से हम जो लाते हैं, उसमें थोड़ी सी सफ़ेद तिल लगी रहती है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ब्रश की मदद से हल्का हल्का सा फिर से दूध की कोटिंग कर दें। ये देखिए तिल्ली के ऊपर भी मैंने एक एक बार मिल्क का जो ब्रश है उसे चला दिया है। कुकर में मैंने नमक रखा है, एक सादा स्टैंड रख दिया है, और इसे बेक करने रखे। मीडियम फ्लेम पर 25 मिनट्स तक आपको बेक करना है। तो पूरे 25 मिनट्स हो गए हैं दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं ब्रेड में अभी बहुत सुंदर कलर नहीं आया, पर हम ये देख लेते हैं कि पकी है कि नहीं पकी है। तो ब्रेड हमारी 25 से 30 मिनट में बहुत अच्छी तरह से पक जाती है। मीडियम फ्लेम पर पकाएं, स्लो फ्लेम पर ना पकाएं, हाई फ्लेम पर भी आपको नहीं पकाना है। अब यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है दोस्तों, और खूब अच्छी तरह से ब्रेड में ऊपर अच्छी तरह से ऑयल लगा दिया। ऑयल लगाने से इसमें कलर बहुत अच्छा आता है, और 5 मिनट पूरा बेक किया है। तो पूरे 5 मिनट के बाद की शूटिंग है, कुल मिलाकर 30 से 35 मिनट्स आपको लग सकते हैं। तो आप 25 मिनट्स के बाद एक बार चेक करें। तो अब मैं आपको इसे निकाल कर दिखा रही हूँ, थोड़ा सा मैंने स्टैंड में रख दिया ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। बस इस समय आपको फटाफट इसमें गरम गरम में लगाना है बटर। बटर नहीं है तो आप घी लगा सकते हैं, घी नहीं तो आप तेल लगा सकते हैं। अब इसे हम करेंगे डीमोल्ड। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया हमारी सैंडविच ब्रेड बनकर बिल्कुल तैयार हुई है दोस्तों। ये देखिए, अगर आप इसे अभी नहीं काटना चाहते, मान लीजिए आपको आज अभी नहीं खाना है, एक दो दिन बाद खाना है दोस्तों, तो बढ़िया अच्छा इसे रैप करके रखें, किसी भी पॉलीथीन से रैप कर दें, एयर टाइट डब्बे में भर कर रखें, या फिर ये जो इस तरह से क्लिंग रैप आता है उसमें आप खूब अच्छी तरह से इसे लपेट दें, ताकि इसमें हवा ना जाए। ज़्यादा हवा लगेगी दोस्तों तो हमारी ब्रेड सूख जाएगी। इस ब्रेड को आप 4 से 5 दिन तक भी रख सकते हैं, ये ब्रेड खराब नहीं होगी। और इस तरह से आप लपेटें, बस कहीं से भी खुला ना रहे दोस्तों, नहीं तो हवा जाएगी और ब्रेड सूख जाएगी। तो अभी तो थोड़ी ब्रेड गर्म है दोस्तों, फिर भी मैं अभी आपको इसे काट कर बताती हूँ। इसे काटने के लिए किसी भी पतले चाकू का इस्तेमाल करें। मेरे पास तो ये लंबा वाला चाकू है दोस्तों, किसी भी बर्तन के सामान की दुकान में इस तरह का नाइफ मिल जाएगा, बाद में आप खरीद लीजिएगा। परंतु आप सादे चाकू से भी इसे काट सकते हैं, परंतु थोड़ा ठंडा होने के बाद ही कटिंग करें। बस इसी तरह से आपको एक एक स्लाइस को अलग करते जाना है, और इस ब्रेड को 4 से 5 दिन तक खाएं। बाज़ार से भी अच्छी बहुत ही टेस्टी बनी है, हमने इसमें जो मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है वो इसे बहुत ही बढ़िया स्वाद देता है। तो आप इसका स्पंज देखिए दोस्तों। तो आप इस सैंडविच ब्रेड की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और साथ ही कमेंट ज़रूर करें कि कैसा लगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थिएटर को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।